I would only say ki please stop this. Go and revise your cult, your university education, school education. अच्छा एक बात बताओ ना महवीश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इस्लाम पे फक्र है, मदरसे को गाली देते हो, मदरसे में ही इस्लाम सीखता है इंसान, स्कूलों में तो नहीं सीखता, दो तरफा बातें क्यों कर रहे हो? फिर तो प्राउड होना चाहिए, हर गली में मदरसा खोलो तुम, मैं कहता हूं हर गली में मदरसा खोलो, दोनों बातें कैसे कह सकते हो तुम? तो आई एम प्राउड टू बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यह कि पाकिस्तान की सारी समस्या मौलवी मौलाना है, कैसे मौलवी मौलाना है? पाकिस्तान को इस्लामिक बनाने का जिम्मेदारी क्या वो कोई साइंटिस्ट लेगा? तो उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी इंडिया को तो तबाहो बर्बाद करना है, क्योंकि हम इंडिया को तबाहो बर्बाद नहीं करेंगे तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अगर वो वॉर क्यों लड़ रहे हो, क्या चाहिए वॉर में, तुमको क्या मिल जाएगा? तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन निकाली थाउजेंड कट्स, विच यू कॉल डॉक्ट्रिन ऑफ थाउजेंड कट्स, उसी डॉक्ट्रिन ऑफ थाउजेंड कट्स को हम कहते हैं टेररिज्म। वो आपके लिए इट्स अ मींस एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर, पार्ट वन आर्टिकल वन, द स्टेट ऑफ इंडोनेशिया शैल बी अ यूनिटरी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक, खेल खत्म, सॉवरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, खेल खत्म, आपकी सॉवरिटी अल्लाह के पास है, बनाए तो मदरसे बनाओ। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा मुझे माफ करना तालिबान ही बनेगा, पढ़ा लिखा भी वो तालिबान ही होगा, क्योंकि उसको ये बता दिया गया कि उसकी सारी समस्या का सोल्यूशन कुरान में है। अच्छी चीज है, मजहबी किताब के अगेंस्ट नहीं जा रहा मैं, मगर वो क्या है, वो बेचारा उसको ये भी बोलते हैं कि सब सलूशन है, फिर उसको बोलते तुम्हें समझ ही नहीं है, वो परेशान है बेचारा। दोबारा से कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म एक वक्त में दब चुका था, दोबारा से वो उजागर हो गया, और हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि जंग अफोर्ड कर सके, और हिंदुस्तान का मानना है कि वहां पे कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार पाकिस्तान है। इस न्यूज को लेके आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तानी ग्रुप्स अगर कश्मीर में अटैक कर रहे हैं और ये बात वाजे हो जाती है तो पाकिस्तान का रिएक्शन या हिंदुस्तान का रिएक्शन क्या होगा? देखिए टेररिज्म और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा? हिंदुस्तान के आवाम में बहुत गुस्सा है भाई, इंडिया में बहुत गुस्सा है, कोई भी होगा गुस्सा। देखिए महवीश, इंडिया में जो लोग है वो अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखना चाहते, हमारे जो कर्नल बनते हैं, मेजर बनते हैं, सिपाही बनते हैं, बच्चे हमारे घरों के, वो क्यों मरे एक बेकार के कॉज के लिए, जो कि आपको एक प्रॉब्लम लग रहा है भाई, एक सदियों से चलती हुई सिविलाइजेशन को आप मानने को नहीं तैयार हो, आपने थियोरिटिकल कन्फ्यूजन क्रिएट किए गए हैं, अपने यहाँ पे क्रिएट किया है आप सिर्फ। देखिए टेररिज्म क्या है ये समझिए, टेररिज्म को फिलोसफी समझिए, टेररिज्म का मतलब है कि आपने जो स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात पाकिस्तान को 1960 के दशक में आ गई थी कि वी कैन नॉट अफोर्ड वॉर, तो उन्होंने ना 1971 के बाद से स्पेसिफिकली उन्होंने कहा ठीक है भाई इंडिया से कन्वेंशन वॉर तो नहीं हो सकती, मगर इंडिया को हमें गिराना है, मारना है, इसको नुकसान पहुंचाना है, इंडिया हमारा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है इंडिया, ये आज तक नहीं बताया, कब दुश्मन बन गया इंडिया तुम्हारा? 1947 में दुश्मन बना, डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड तो जिन्ना साहब ने करी थी, तो अब वो नेहरू में कीड़े निकाल देना, पॉलिटिक्स को टेररिज्म में घुसेड़ देना, ये तो शुरू से एक ऐसी थ्योरी लाई गई, उस थ्योरी को जस्टिफाई करते करते पाकिस्तान आज यहां पहुंच चुका है। आप जब तक इस थ्योरी से जो पीछा नहीं छुड़ाओगे हमारा आपका कुछ नहीं हो सकता। रही बात टेररिज्म, टेररिज्म क्या है? टेररिज्म इज अ वॉर ना थ्रू अनकन्वेंशनल मींस, क्योंकि पाकिस्तान की सैनिक जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि भाई वी कैन नॉट डिफीट इंडिया ऑन हेड ऑन कोलिजन, हम नहीं लड़ सकते इंडिया से, वो उनके पास जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उनके पास जो सुपीरियोरिटी ऑफ मैन पावर है, जो सुपीरियोरिटी ऑफ इकोनॉमिकल पावर है, उसमें पाकिस्तान इज नो मैच। तो उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी इंडिया को तो तबाहो बर्बाद करना है, क्योंकि हम इंडिया को तबाहो बर्बाद नहीं करेंगे तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अगर वो वॉर क्यों लड़ रहे हो, क्या चाहिए वॉर में, तुमको क्या मिल जाएगा? तो उन्होंने ये डॉक्ट्रिन निकाली थाउजेंड कट्स, विच यू कॉल डॉक्ट्रिन ऑफ थाउजेंड कट्स, उसी डॉक्ट्रिन ऑफ थाउजेंड कट्स को हम कहते हैं टेररिज्म। वो आपके लिए इट्स अ मींस एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर, क्यों करना बाबा? अब तो रिविजिट कर लो यार, तुम हम सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं मार रहे हो, तुमने जो नफरत शुरू की हिंदू से वो उसके बाद जाके ग्रीस में यहूदियों को मारना है तो पाकिस्तानी मिल रहे हैं, अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल रहा है तो कह रहे हो हम ISIS के साथ बम बांध के उड़ जाएंगे। अभी आपको पता होगा एक डॉक्टर साहब आपके थे गए थे स्कॉलरशिप पे, उनको अभी सजा हुई है 18 साल की, उनको कैद मिली, क्यों? क्योंकि वहां स्कॉलरशिप पे जाने के बाद कहते हैं ISIS के साथ अमेरिकन को उड़ा देंगे। फिर उसके बाद तुम फ्रांस में जाते हो, उनके यहाँ पे तुम वो भी लेते हो, झूठ बोल के असाइलम लेते हो, उसके बाद क्लीवर लेकर के मारने चले जाते हो फ्रेंच को, तो हर जगह तो मार रहे हो अपना। क्यों ये ज़हनियत बना रहे हो, इस ज़हनियत को क्यों इतनी नफरत बना दी है तुमने कि हिंदुस्तान का जो पंजाबी हिंदुस्तान है, जो पंजाबी हिंदुस्तान का पंजाबी है, वो यहूदियों से नफरत नहीं करता है,
वो मगरिब से नफरत नहीं करता है। पंजाबी जो है, इंडिया का जो पंजाबी है, आप भी पंजाबी हो ना, इंडिया का पंजाबी है, उसका सपना है कनाडा में जाके बसना। वो जाके कनाडा में इंडियन कनेडियन से भी ज्यादा कनेडियन बन जाता है, उसको तो मगरिब से प्यार है। क्यों नफरत है इतनी मगरिब से वेस्ट, ये पाकिस्तान में एक ही पंजाबी लोग दो तरीके से क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने बिहेवियर को? आप मेरी बात समझ रही हो ना? पाकिस्तान का पंजाबी और पंजाब का पंजाबी में अंतर तो नहीं है ना, एज फार एज उनकी जो उनका खमीर तो एक है ना, सभी तो लैंड ऑफ पंजाब से आते हो, आप अपने आप को पंजाबी तो मानती होगी ना। ऑब्वियसली तो आप अगर पंजाबी हो महवीश, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो इंडियन पंजाबी है वो क्यों नहीं जा रहा है आतंकवादी बनने? वो क्यों नहीं जा रहा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो पंजाबी है वो जाके स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो और भी बिजनेसेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस बन रहे हैं वेस्ट में जाके। आपका पंजाबी जा रहा है तो किसी को चाकू मार दे रहा है, किसी को वो यहूदियों को मारने के पीछे पड़ जा रहा है। ये तो क्वेश्चन पूछो बेटा अपने आप से ना, अपने यहाँ लोगों से पूछो ये नफरतें क्यों हैं। हिंदू नफरत से शुरू होके वो यहूदी नफरत से, वो मगरिब के नफरत से, दुनिया की नफरत से, फिर एक दिन खुद के नफरत में पड़ जाओगे। नफरतों का कारोबार आप कर रहे हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी की अगर नफरती होता तो वो तो फिर यहूदियों को भी मारता, क्योंकि यहूदी कहते हैं कि भाई ये तुम मूर्ति पूजा गलत करते हो, अगर उसका ये पॉइंट होता तो। आपको पूछना पड़ेगा अपने समाज में, अपने स्कॉलर से, उनसे दो काम कहिए, फॉल्स इक्विवेलेंस बंद करें, सच जो है वो बताएं लोगों को। द पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की जो ये खाई है, इसका एक ही इलाज है, सच, द ट्रूथ, विच इज सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ सपोर्टेड, क्रिएशन ऑफ ट्रूथ नहीं, टू नेशन थ्योरी सच नहीं, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है ये। पंजाब और पंजाबियत ये ट्रूथ है। किसने तुम्हें पंजाबी बनाया? कब तुम पंजाबी बनी? तुम सेल्फ क्रिएटेड हो, सेल्फ सस्टेन्ड हो। पंजाब का कल्चर, खाना पीना, भाषा, ये खुद से उपजी हुई है। ये कोई कंस्ट्रक्ट नहीं किया कि आज से हम एक पंजाबी भाषा क्रिएट कर रहे हैं, हजारों साल लगा इसको बनने में ऐसा, लेकिन तुम पाकिस्तानी जबरदस्ती बना रहे हो लोगों को। पूछो लोगों से, बोलो अपने स्कॉलर से कि सच बोलें, और सच के लिए किसी का साथ नहीं देना, जो सच है वो बताएं। उनका गुस्सा जायज है बेटा, तीन तीन लोगों को मार दिया, यंग बेचारे सब, क्या है, क्या मार रहे हो? किसी को मार देना, उसकी जिंदगी छोटी जाना तो सबको ही है। इस नफरत से क्या मिल रहा है? क्या आपकी समाज में नफरत नहीं फैल रही है? सबसे नफरत कर रहे हो आप। तो आई वुड ओनली से कि प्लीज स्टॉप दिस, गो एंड रिवाइज योर कल्ट, योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। अच्छा एक बात बताओ ना महवीश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस्लाम पे फक्र है, मदरसे को गाली देते हो, मदरसे में ही इस्लाम सीखता है इंसान, स्कूलों में तो नहीं सीखता, दो तरफा बातें क्यों कर रहे हो? फिर तो प्राउड होना चाहिए, हर गली में मदरसा खोलो तुम, मैं कहता हूं हर गली में मदरसा खोलो, दोनों बातें कैसे कह सकते हो तुम? आई एम प्राउड टू बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यह कि पाकिस्तान की सारी समस्या मौलवी मौलाना है। कैसे मौलवी मौलाना है? पाकिस्तान को इस्लामिक बनाने का जिम्मेदारी क्या है? वो कोई साइंटिस्ट लेगा? पाकिस्तान को इस्लामिक क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटियां बनाएंगी? तो मदरसे बनाएंगे। मदरसे तो मदरसा क्या है? इसे मदरसा का इंग्लिश वर्ड है स्कूल, मदरसे का हिंदी वर्ड है विद्यालय, एक अरबिक वर्ड है ना विच मीन स्कूल। दोनों बातें अपने आप से पूछो जाके, अपने बड़ों से और अपने जो तुम्हारे आप रिस्पॉन्सिबल प्रोफेसर हैं उनसे पूछो कि तुम अगर कह रहे हो कि इस्लाम की रिपब्लिक पाकिस्तान है तो मदरसे चाहिए हमको, स्कूल नहीं चाहिए। और अगर स्कूल चाहिए तो फिर ये मत कहो कि हम इस्लामिक रिपब्लिक है। दोनों बातें मत करो, डुअल स्टैंडर्ड मत। मौलाना को गाली दिलवा रहे हो, कभी पॉलिटिशियंस को गाली दिलवाते हो, हर किसी को गाली दे रहे हो तुम कि मौलवी मौलाना है, ये नफरती है, ये कैसे बेचारे नफरती है, वही आपके कंट्री को इस्लामिक बनाए हुए हैं। स्कूल बंद करो और मदरसे खोलो, जितने मदरसे खोल सकते हो खोलो। देखो तुम्हारा देश कहाँ जा रहा है, तुम्हें प्राउड होना चाहिए मदरसों पे। ये बात आपके लोगों को पता चलना चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र क्या होता है, जो हिंदू राष्ट्र का मजाक उड़ा देते हो आप। जाके कह लो बड़ा बताते 57 इस्लामिक मुल्क, 57 इस्लामिक मुल्क, झूठ है ये बात। मुश्किल से मुश्किल 21 इस्लामिक मुल्क होंगे, वो भी इस्लामिक नहीं, अरबिक इस्लामिक मुल्क है। तुर्की को इस्लामिक मुल्क कहते हो, पढ़ लो जाके कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं कहता हम इस्लामिक, वो कहता हम सेक्युलर है।
अगर तुम नंबर ऑफ मुसलमान के हिसाब से इस्लामिक मुल्क मानते हो तो भी भारत को भी इस्लामिक कहो, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे देश से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, इस्लामिक मुल्क है ये। समझ आ रही मेरी बात? जाके देख लो आप उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, क्या वो इस्लामिक कहता है? नहीं कहता है। तो फिर 56 हो गए। कजाकिस्तान कहता है हम नहीं है, 55 हो गए। तुर्की कहता है हम नहीं है, 53 हो गए। उसके बाद तुम जाके देख लो जितने ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, सब कहते हैं कि हम नहीं है। वहां पर करीबन 8-10 कंट्रियां हैं, 57 में से तो तुम्हारे 10-15 यही चलेगा, 8-10 यही चलेगा, 46 बच गए तुम या 48-49। किस इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है? आपने कभी अपने लोगों से पूछा कि भाई आपने इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आप उनसे पूछिए कि भाई हमें इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अब आप बोलिएगा तो मैं आपको पढ़ दूंगा। आपके पास अगर कोई लाइन है तो कोट कर दें। पार्ट वन आर्टिकल वन, द स्टेट ऑफ इंडोनेशिया शैल बी अ यूनिटरी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक, खेल खत्म। सॉवरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल, खेल खत्म। आपकी सॉवरिटी अल्लाह के पास है। The state of Indonesia shall be a state based on rule of law, not the Sharia. खेल खत्म हो गया। कहाँ ये कह रहे हैं कि हम वो हैं, इस्लामिक हैं? जब आप कहते हो कि लैंड जो है वो पॉलिटिकल पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपुल, इस्लामिक नहीं रह जाते फिर आप? इंडोनेशिया इस्लामिक मुल्क नहीं है, इंडोनेशिया के लोग मुस्लिम हैं, मुल्क वो इस्लामिक नहीं है। आप नहीं है तो मैं आपको अभी, आप ऐसा करें आप अपने दर्शकों को आप पढ़ के सुनाएं। ये आपको मैंने लिंक भेजा है, जब पढ़ दीजिए प्राइवेट चैट में, देखिए लिंक भेजा मैंने, उसको क्लिक कीजिए और पढ़िए आप उसका आर्टिकल वन, पढ़िए आप। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। The state of Indonesia shall be a unitary state in the form of republic. Sovereignty is in the hands of people and is implemented according to the constitution. And number three is the state of Indonesia shall be state based on the rule of law. खत्म हो गया। Control F market डाल लो, इस्लाम कहीं आता है उसमें? डालो ये भी सर्च कर लो। नहीं है पूरे constitution में इस्लामिक वर्ड। और आप इंडोनेशिया को इस्लामिक मुल्क कह रहे हो? चलें तो हम लोग यही बता रहे थे कि आपने इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन खुद से पढ़ा, क्या वो कहता है इस्लामिक है? नहीं कहता ना। इस्लामिक राष्ट्र का मतलब समझो जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। ये अलग बात है कि लोगों ने इस्लाम को एज ए रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया हो, वो राष्ट्र नहीं बन जाता। उनका कल्चर, उनकी सभ्यता, उनका भाषा, उनका खान पान, उनका बूदोबाज, ये इस्लामिक नहीं बन जाता। रिलीजन सिर्फ इस्लामिक बनता। आपको इतनी सी बात समझ गए? तो इस्लामिक 56 राष्ट्र नहीं है। मैंने आपको इंडोनेशिया का बोल दिया, वो कहता है इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, वो कहता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इसीलिए वहां पे ये समस्या नहीं है। आप इसको अननेचुरली आर्टिफिशियली इस्लामिक बनाना चाहते हो तो वो कर लो, आप आपके सामने है। चलें। अच्छा सर, अगर बात की जाए पाकिस्तान के पीएम की, तो अभी उनकी जानिब से कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि वो टेरर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे इसके अगेंस्ट, दिमाग से वर्ड निकल गया, टेरर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और कश्मीर में होने वाले जितने भी मसाइल हैं और टेररिज्म के रेलेवेंट, अगर उनको लगता है पाकिस्तान से हो रहे हैं और वो पाकिस्तान से वाकई हो रहे हुए, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कुछ नहीं होगा, 150 लोग और मर जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। यूरोप ने सारी जिंदगी लड़ाइयां लड़ी, अपने लोगों को मारा काटा यूरोप ने, उसको क्या उसका सॉल्यूशन वॉर से हुआ? नहीं हुआ। अंत में यूरोपियन स्कॉलर्स को आना पड़ा, उन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया। जब तक आप सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, ये आतंक जिनको आप आतंकवादी कहते हो ना, वो आतंकवाद, ये बताओ बेटा ईमानदारी से क्वेश्चन का जवाब देना आप, ठीक है? टीटीपी आतंकवादी है? तहरीक तालिबान, तहरीक पाकिस्तान, ये आतंकवादी है? आप इनको आतंकवादी मानते हो? ये कह रहे हैं कि हम शरिया लॉ लाएंगे, प्योर इस्लामिक लॉ लाएंगे, ये आतंकवादी है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किए थे, ये तो खुद ही तैयार किए थे ना अपने मुल्क की हिफाजत। तैयार तो आप भी की गई हो ना स्कूल कॉलेज में, इससे क्या फर्क पड़ता है? तैयार तो आप भी की गई हो। पॉइंट ये है कि ये लोग, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहते हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो सही मायने में स्थापित करना चाहते हैं, वो तो तालिबानी है।
इमरान खान तो झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जबकि आप कह रहे हो कि हमारी जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है हमारा, वो तो होली सुनना है, रूल ऑफ लॉ सुनना तो एक साथ नहीं को एग्जिस्ट कर सकते। इमरान खान तो आपके ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, मैंने तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई नहीं की है, ये तो बेसिक मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है इतनी। बच्चे ये 100 लोग, कुछ लोगों को तो मारना पड़ेगा क्योंकि अब वो बन चुके हैं जिन्हें हम कहते हैं भस्मासुर। कहीं कहीं पे आपको दोनों की जरूरत है, यू नीड सर्जरी प्लस थेरेपी। आप सिर्फ सर्जरी पे फोकस कर रहे हो यार, ये ऑपरेशन चला देंगे, स्वात में ऑपरेशन चला देंगे, जरबे अजब चला देंगे, ये करा देंगे वो, उससे नहीं होगा सोल्यूशन, क्योंकि वो बनते रहेंगे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था, आई एम नॉट मिस्टेकन, और महिषासुर का ही स्टोरी है कि जहां भी रक्त बीज, सॉरी रक्त बीज एक नाम का देते था, कि जहां भी उसका रक्त पड़ता था भूमि पे, मतलब उसको मारो, जैसे ही उसका भूमि पे वो रक्त पड़ेगा वो एक और तैयार हो जाता था, तो कितने भी मारते जाओ खत्म ही नहीं होता था वो। तो फिर अंत में ये हुआ कि भाई कैसे इसको खत्म किया जाए, तो उसका सोल्यूशन के लिए फिर कुछ स्टोरी है जो थी। तो ये आतंकवाद रक्त बीज है, ये आपके स्कूलों में है। जब तक आप ये कहोगे कि आप इस्लामिक रिपब्लिक हो, तब तक आप तालिबान का अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज अ पाकिस्तानी चैप्टर ऑफ तालिबान। हर जगह तो सब जगह झूठ नहीं बोलोगे ना, ये आपके स्कॉलर्स में भी ये चीज है, झूठ बोलने की और फॉल्स इक्विवेलेंस करने की। मुगल चाहिए भी, अगर मुगल चाहिए तो मुगल तो इस्लामिक लॉ लाने के लिए, औरंगजेब अगर आपका हीरो है तो औरंगजेब तो शरई लॉ चलाता था, तो लगाओ शरई लॉ। औरंगजेब कौन सी यूनिवर्सिटी बता दी, किस मुगल ने एक यूनिवर्सिटी बनाई इंडिया में, किसी भी इस्लामिक स्कॉलर ने इंडिया में एक यूनिवर्सिटी बनाई है, तोड़ी जरूर एक यूनिवर्सिटियां बनाई, किसने, एक भी नहीं बनाई है, सबने वो बनाए मदरसे बनाए, तो मदरसे बनाओ। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा मुझे माफ करना तालिबान ही बनेगा, पढ़ा लिखा भी वो तालिबान ही होगा, क्योंकि उसको ये बता दिया गया कि उसकी सारी समस्या का सोल्यूशन कुरान में है। अच्छी चीज है, मजहबी किताब के अगेंस्ट नहीं जा रहा मैं, मगर वो क्या है, वो बेचारा, उसको ये भी बोलते हो कि सब सोल्यूशन है, फिर उसको बोलते तुम्हें समझ ही नहीं है, वो परेशान है बेचारा, उसको सोल्यूशन पता है मगर वो सोल्यूशन उसको रिजल्ट नहीं दे रहा। तो सोचो कहां जाना है, कब तक झूठ बोलोगे सर, सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि किताबें, सच, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा सच्चाई है। इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करो, पंजाबी को बताओ तुम कौन हो, पंजाब की हिस्ट्री जिसको पढ़नी है वो वेद कैसे नहीं पढ़ेगा, वहीं तुम्हारे और किताबें पढ़ो, सब किताबें अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारी नदियों का, तुम्हारे पूर्वजों का जो हिस्ट्री है वो वहीं दिया हुआ है, तुम लोगों को पढ़ने से रोक रहे हो, अपनी हिस्ट्री जानने से रोकते हो उनको, तुम नेचुरल को, नदी को बांध लगा के रोकना चाह रहे हो, कह रहे हो कि इधर से जो पानी आया वो दूसरा आया, ये पाकिस्तान, मतलब एक नदी चिनाब की चल रही है, हिंदुस्तान में तो वो चिनाब है जो वेदों वाली चिनाब है, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान में आती है तो वही चिनाब जो कन्वर्ट हो जाती है वो मुस्लिम चिनाब हो जाती है। ये पागलपन क्यों, इंडोनेशिया की तरह बन जाओ बाबा, अपना अकीदा रखो, पर्सनल रिलेशन बनाओ अल्लाह से, तुम कम्युनल रिलेशन बना रहे हो, सोशल रिलेशन बना रहे हो, इकोनॉमिकल रिलेशन बना रहे हो, हिस्टोरिकल, सब कुछ तुमने इस्लामिक कर दिया है इस पागलपन में, इस मिराज में कि हम इस्लामिक कैसे बन जाए, और जो इस्लामिक करना चाहता है उससे लड़ रहे हो, तुमने नदियों को कि हिंदू तो मीट नहीं खाते, ये नहीं खाते भाई, ये तुमको किसने बता दिया कि हिंदू मीट नहीं खाते, हिंदू सब्जी खाते हैं, कौन बोला तुमको, हिंदू बहुत मीट खाते हैं भाई, 70% आबादी इंडिया की जो है हिंदुओं की, वो मीट खाती है, कुछ पता ही नहीं है, अजीब से फिलोसफीज, क्योंकि तुमने अब इसको गोश्त खाने को कहते कि गोश्त खाने से इस्लामिक बनते हैं, बताओ यार, फॉर गॉड, ये लोग हैं जो तुमको नॉलेज दे रहे हैं, गोश्त खाने से तुम इस्लामिक, सारे अंटार्कटिका के लोग गोश्त खाते वो इस्लामिक बन जाते, गोश्त खाने से आदमी इस्लामिक बनता है, गोश्त खाओ मर्दाना, वो हर चीज में मर्दाना, वो ये वो, अरे भाई भाई इसका आपके यहाँ पे जज्बा आएगा, जज्बा, आपके यहाँ पे फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली वीक बच्चे पैदा होते हैं, पता है आपको, दिमागी कमजोर, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त,
वो बच्चे किसी के सामने नहीं लड़ सकते, क्योंकि शरीर से लड़ाई का जमाना गया बेटा। दुनिया ने वेपन्स कब कई बना लिए थे, आज तो वेपन उस तरीके से हो गए कि तुम बहुत हो, तुम 10 लोगों को यूं दबा लोगे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई तुम्हें अमेरिका में बैठा बैठा ड्रोन मार देगा, यूं खेल खत्म है। अमेरिका ने ये जो आतंकवादी उड़ाए जो तुम्हारे बड़े बड़े तालिबान के, वो क्या ड्रोन से हमले करता था तो तुम्हारे यहाँ आगे करता था, ड्रोन आ गया यार। अभी भी तुम कह रहे हो कि ये खा लो गोश्त खा लो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोश्त खाने से तुम उसका इन्वेंशन कर पाओगे, चैट जीपीटी गोश्त खाने से बनाओगे तुम, गोश्त को मुसलमान खाना। मैं सुन के हैरान हो गया, मैंने कहा भाई ये तो भाई परम तत्वदर्शी है, ये नॉलेज है ये, और वो इल्म ही बात कर रहे हैं सो कॉल्ड, ये इल्म है, ये इल्म है। खाना तुमको, तुम जिम में जाओ, जिम में आजकल लोग बताते कि जो तुम खाते हो वो तुम बनते हो, वही तुम्हारा सोच हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो लोग एजुकेशन में थे उनको कहा गया कि आप तामसी भोजन से दूर रहें, क्योंकि यदि आप गर्म खाना खाएंगे, मीट खाएंगे, दारू पिएंगे, मदिरा का सेवन करेंगे तो आपके अंदर ये जो भौतिक डिजायर है वो आपके अंदर बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी, स्त्रियों में आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर तुम्हें ज्ञान लेना है, ज्ञान लेने के लिए अपने शरीर पे कंट्रोल चाहिए होता है। अगर मेरी सारी जिंदगी मेरे दिमाग में खाली बस सेक्स 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 चल रहा हो और मेरे दिमाग में खाली दारू चल रही हो या सिर्फ भोजन चल रहा हो, तो मैं तो ज्ञान तो नहीं ले सकता ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं बनेगी वहां पे। तो तुम्हारी समाज बेटा इट नीड्स पीपल विद ब्रेन, उनका इल्म ही अजीब है, गोश्त खाने से तुम वो बन रहे। मैं और वो बहुत बड़े पॉपुलर लोग हैं, कह रहे गोश्त खाना इस्लामिक है, बच्चे पैदा करना ये गोल है, ये इल्मी बातें हैं सर। ये यही सारी चीजें हैं जो अब हमारे यूथ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ भी रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा लाने की जरूरत भी है, जिसपे वर्किंग कुछ पाकिस्तानी कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं यार अभी भी नहीं करनी चाहिए, दुनिया जहां मर्जी जा रही है, जब हमें करनी होगी तो हम मुल्क बदल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है कि हम यहाँ रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं। खैर इसको करते हैं यहाँ पे। जी जी मैं बस इतना कहता था बेटा, ये रिवॉल्यूशन से नहीं आएगा ना सर। का रिएक्शन, आपका रिएक्शन ही बिल्कुल ऐसे ना, मुझे लगा आप कुछ और आवाम को पड़ेगा। नहीं नहीं मैं आपके आवाम को बस इतना, आवाम के अभी तो बच्चे हैं ना, ये रिवॉल्यूशन नहीं है, ये जज्बा नहीं है, यहाँ पे अनुभव चाहिए बेटा। यूथ की जरूरत होती है जब जज्बे की हो, जो काम आपके देश को करना है उसमें जज्बा